तो स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में गाइस। और अभी मैं आ चुका हूँ आरंबोल, और बाकी इधर कुछ ऐसे क्राउड है वो आपको सिचुएशन अपडेट करने आया था, तो मैं सोचा दिखा दूँ आपको कैसा आरंबोल, और आरंबोल आप लोग आ रहे हो तो कैसा रहेगा। और बाकी पहुँच चुके हैं आरंबोल बीच साइड, तो दिखाते हैं कैसा है यहाँ पर। अभी सनसेट होने वाला है, और गाइस आप लोग अगर नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन, वैसे आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। और प्लीज़ गाइस अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और बाकी चलते हैं बीच की तरफ, सनसेट एकदम मस्त होने वाला है। तो जैसे आप एंट्रेंस की तरफ बढ़ोगे, जैसे बीच की तरफ बढ़ोगे, तो आपको ऐसी कुछ यहाँ पर मार्केट मिलेगी, कुछ खरीदारी या रेस्टोरेंट वगैरह आपको यहाँ पर, मतलब कुछ खाना पीना हो तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरफ एक रेस्टोरेंट है, आप शाम के टाइम इवनिंग के टाइम बैठ सकते हो, और यहाँ पर कुछ ऐसी पार्टी वार्टी भी होती हैं नॉर्मली। और इधर देख रहे हैं आप शेक बन रहा है इधर इस साइड में, और कुछ शेक जो है बन के रेडी भी हो चुके हैं। तो देख लो गाइस शेक कैसे बनता है, फ्लोर कैसे बनता है। तो इस तरफ देख रहे हैं आप शेक जो है रेडी हो रहा है, किस तरह से रेडी हो रहा है, कितना मतलब कितना ढोका पीटी, मतलब कितना फर्नीचर वगैरह लगता है, देखो लकड़ी वकड़ी वगैरह। और उस तरफ वो शेक ऑलरेडी बन चुका है। और इस तरफ जो है ये जो ऑफ सीज़न में भी रहते हैं गाइस, जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं उस साइड में, ये पूरे ऑफ सीज़न में भी रहते हैं और सीज़न में भी रहते हैं, तो इधर कोई शेक लगते नहीं है। तो ये ऑफ सीज़न वाले भी जो है अपना रेस्टोरेंट ओपन रखते हैं। और इस तरफ जो आप बोट देख रहे हो, ये फिश बोटें हैं जो सुबह को जाती हैं शाम को आती हैं, फिलहाल आज लग रहा है गई नहीं है, और हो सकता है गई भी हो तो वापस आ गई हो। तो हम लोग चलते हैं सीधा स्ट्रीट उसकी उस तरफ चलेंगे, कैसा है वो आपको पूरा अपडेट करते हैं। इस शाम को जो है चेयर टेबल बाहर डाल देते हैं बढ़ा के, बीच साइड में कैंडल लाइट डिनर होता है, तो इसीलिए उन्होंने अभी और आगे शायद इस तरफ यहाँ इस लाइन में आएंगी चेयर टेबल शाम के टाइम, इवनिंग को। इवनिंग को जो है रशियन वगैरह फॉरनर वगैरह जो भी है यहाँ पर आते हैं, और जो है फूड वगैरह इंजॉय करते हैं, कैंडल लाइट डिनर, और काफ़ी अच्छा है इस तरफ भी। देखो मेन्यू बाहर लगा दिया है कुछ, हैप्पी दिवाली। तो हाँ गाइस आज हैप्पी दिवाली, तो आज छोटी दिवाली है। टू ऑल वाईफाई ड्रीम ऑफ गोवा, हैप्पी आवर्स कॉकटेल्स, और वाई वन गेट वन फ्री, और क्या है 1 PM to 11:30 PM इफ़ यू नेवर ट्राई योर नेवर नाउ। तो ऐसा है कुछ, अभी चलते हैं आगे की तरफ, आगे भी आपको ऐसी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो ये बोट जो देख रहे हैं ये फिशिंग बोट है। तो आप देख रहे हो कि अंदर रेस्टोरेंट में भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और सामने इवनिंग के टाइम पे तो वैसे भी बहुत हो जाता है यहाँ पर क्राउड। तो इस तरफ आइसक्रीम है, और उस तरफ है जो फिशिंग बोट है गाइस, आप वहाँ से देख रहे हो फिशिंग बोट कितनी दूर है, और वो फिशिंग बोट जो है सीधा खींच के ऊपर लाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे। तो आपने देखा होगा कि उसमें जो लकड़ी जो लगी हुई है, और वो लकड़ियों से उसके सहारे से जो है ऊपर लेके जाएंगे। तो ये है जीत लेंगे जंग, साथी अगर तेरा साथ हो, यानी कि लकड़ी है उनका साथ हो तो जीत ही लेंगे। देखो वहाँ तक हो, ये रस्सा पड़ा हुआ है इस साइड में, इस तरफ देखो ये फिश वगैरह है निकाल के लाए अभी, और कितने सारे बांगड़े हैं ये देखो, बाप रे। तो इस तरह से नेट में भांगड़ा आते हैं और बाहर आके निकालते हैं, फिर इसको जो भी सेल करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, सेल ही करते होंगे ऑब्वियसली। तो वैसे देख रहे हो वहाँ से लाइन से कितने सारे सनबेड पड़े हैं, और ऑलरेडी मैंने आपको पीछे दिखा चुका हूँ, वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सनबेड पड़ना, और ये उस तरफ वहाँ तक सनबेड पड़े हुए हैं। और बाकी उस तरफ जो है आप देख रहे हो शेक स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ऑलमोस्ट बन चुके हैं, हाफ डन हो गए हैं शेक, और 1, 2, 3, 4 से 5 शेक जो है बन रहे हैं और बन चुके हैं, मतलब 1-2 दिन में रेडी हो जाएंगे। और 2 शेक इधर भी हैं शायद बन रहे हैं अभी। इस तरफ कुछ नारियल पानी है, और ये आप सामने देख रहे हैं शेक जो है हाफ डन हो चुके हैं, उनका फ्लोर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद लकड़ी, फिर ऊपर उसका छत बनाना पड़ता है, कितना प्रोसेसिंग रहता है, कितना टाइम लगता है। इधर नारियल है कुछ, भैया नारियल कितने का एक? 50 ना के हाथ रखे। तो गाइस नारियल 50 रुपीज़, तो 50 रुपये का है, आप ले सकते हो। वैसे मैं गाइस कैसा लगा अभी यहाँ पे आपको नज़ारा, और यहाँ पर ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर घूम सकते हो, विज़िट कर सकते हो, बाकी आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर ड्रिंक वगैरह जो भी है फॉरनर वगैरह, यहाँ पर जो नाइट पार्टी चलती हैं बहुत ज़बरदस्त चलती हैं, और कई बार आप जो एक बार एक्सपीरियंस करना, मैंने तो यहाँ पर कई बार जो एक्सपीरियंस किया अपना, बहुत ही अमेजिंग रहा है, बहुत अच्छा रहा है गाइस। और आरंबोल वैसे मेरी कहा जाए तो वैसे मेरा फेवरेट प्लेस है आरंबोल, और मैं कभी भी आता हूँ तो आरंबोल ज़रूर जाता हूँ एक बार, और काफ़ी दिनों के बाद मैं आरंबोल अभी आया हूँ, और आरंबोल मतलब हो गए 6-7 महीने हो गए आरंबोल आया हूँ,
तो लास्ट टाइम मैं आया था तो वीडियो मैंने शूट की थी और अच्छे व्यूज़ भी उस पर आए थे, तो आई होप इस पर भी अच्छे व्यूज़ आएंगे मुझे उम्मीद है। और बाकी यहाँ पर हो सकता है नाइट पार्टी भी अभी थोड़ी देर में चलेगी, नाइट पार्टी आज जो है दिवाली है, बड़ी दिवाली नहीं सॉरी छोटी दिवाली है आज, कल बड़ी दिवाली है, तो कल बड़ी दिवाली आज जो है छोटी दिवाली हम यही मनाएंगे, मस्त करके एंजॉय करेंगे, दोस्त वगैरह हैं और अगर पार्टी रही तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस आप लोग आरंभ बोल आना चाह रहे हो तो बिल्कुल एकदम जो है आप आओ एंजॉय करो मस्त करके, फैमिली या कपल आप जो भी है दोस्त वगैरह यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो मस्त करके। आप यहाँ पर जो है स्ट्रीट लेक है वहाँ पर भी जा सकते हो, आरंभ बोल असबीम अंजुना मोरजिम कहीं पर भी एकदम मस्त है एकदम, थोड़ा अंजुना दूर पड़ जाता है बट असबीम जो है इसी लाइन में मिल जाएगा आपको। बाकी इधर बॉल आई है, मैं उठा के देने वाला था लेकिन मैं सोचा ये जो हमारी लाइन ही ख़राब हो जाएगी बोल रहा था जो, तो भाई ने अभी बॉल मारी बच गया मैं थोड़ा सा। और काफ़ी जो है गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। और हाँ तो वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो जाती है बट थोड़ा काम भी करता हूँ और वीडियो भी, तो दोनों काम करना बहुत पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं तब भी जो है दोनों काम करता हूँ। प्लीज़ गाइस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए और सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़, जिससे हम अपना खुद का काम कर सकें। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और